तरह का माहौल था या क्या हुआ था हॉस्पिटल में मेडिकल में? देखिए, हम लोगों को जब पता लगा कि हमारे पास नॉलेज में ये बात आई कि चार दिन पहले हमारा एक भाई सुहेल नाम है, जिसका DUMS थर्ड टॉप में है, वो अपेंडिक्स के पेन से जो है बुरी तरीके से सफ़र था, और यहाँ पे जब उसको लाया गया तो उसके बाद इन लोगों ने जो प्रॉपर चैनल है उसके अकॉर्डिंग डायग्नोस किया, लेकिन उस डायग्नोस में जो रेडियोलॉजिस्ट के पास जब रिपोर्ट के लिए उसको एक्सरे या जो भी सिटी स्कैन वगैरह के लिए उसको भेजा गया, और उसके बाद जो रिपोर्ट आई वहाँ से बन के, उस वो रिपोर्ट बिल्कुल ही पूरी तरीके से अनप्रॉपर थी, जबकि उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो चार दिन स्टे करता, उसका ऑपरेशन उसी वक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे तो जो है लापरवाही की गई। क्रिटिकल पेशेंट को आज बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, जब स्टूडेंट ने किया, जब तेजा कॉलेज के बोर्ड मेंबर तब हमारे साथ हैं, उन्होंने पूरे रिपोर्ट उनको पता है, और उन्होंने जब यहाँ पे पूरी तरीके से डॉक्टर्स को प्रेशराइज किया तब उसका ऑपरेट किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये है कि जिस तरीके से ये घटना हुई, जिस तरीके से ये इंसिडेंट टेक प्लेस हुआ, अगर इसको थोड़ी सी लापरवाही और बरती जाती तो कहीं ना कहीं जो है जान भी जा सकती थी। यानी कि डॉक्टर जो है कहीं ना कहीं बरत रहे थे इसमें? नहीं, देखिए, इसमें ये तो नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर्स, देखिए उसमें जो है जो डॉक्टर का नाम आ रहा है वो शगुफ्ता बहाब, जैसा कि सब लोगों ने बताया वहाँ पे, तो कहीं रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक जो है वो रिपोर्ट गलत थी, जो है जिस तरीके से यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो भी CMO वगैरह थे, जहाँ पे डॉक्टर्स इंचार्ज थे, उनके सामने अपोज किया गया कि उन्होंने, क्योंकि BUMS भी ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं सब लोग, तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं इस चीज़ को, तो उन्होंने वहाँ पे अपोज किया कि जो रिपोर्ट दी गई है वो अनप्रॉपर थी, उसका ऑपरेशन उसी दिन हो जाना चाहिए। स्टूडेंट्स यूनियन ने किस तरह से उसको, यूनियन ने इसमें जो है आज सारे लोगों को, सदर साहब थे सलमान इम्तियाज साहब, नायब प्रेसिडेंट हमजा सुफियान साहब, बाकी कैबिनेट वगैरह की मौजूदगी में, और इनके फैकल्टी के कोर्ट मेंबर की मौजूदगी में जो है, और कंसल्टेंट जो है चेयरमैन को बुलाया गया, और फिर उनको 24 घंटे का वक्त दिया कि इस पे इंक्वायरी करें, और अगर कोई कल्प्रिट है, अगर कोई उसमें जो है किसी ने जो है, अगर वाकई ऐसा हुआ है तो उसको जो है उस पर एक्शन लिया जाता है। अच्छा, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि CMO को जो ऑफिस के अंदर बंधक बनाया, क्या ये बात सही नहीं? ये गलत है बिल्कुल भी, देख ये इस बात का बिल्कुल ये गलत है, ये बेबुनियाद है, कोई बंधक नहीं बनाया गया CMO को, वो हम लोगों के डॉक्टर्स हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उन लोगों की पर्सनल इंक्वायरी चल रही थी, बस इस वजह से जो है उन लोगों ने ही इस चीज़ को किया। व्यापारिता के खिलाफ ही माने, जैसा कि CMO साहब ने कहा कि हमें बंधक बनाया गया, हालांकि जब हमने चैम्बर का रूम बंद किया था उस वक्त CMO साहब थे ही, बिल्कुल, उसके बाद जब वो CMO साहब आए, हम इसी डिमांड पर चैम्बर को बंद किए थे कि CMO साहब आएँ और वो बताएं कि कहां से गलती हुई, गलती किस, तो उसमें ये बोला जा रहा है कि आप लोगों ने उग्र हो गए और गाली गलौज किया। मैं बताऊं, आज जो हमारे साथ एकदम CMO साहब ने ही हमारे साथ मिस बिहेव किया, वो उनका रवैया एकदम डोमिनेंट वाला था, तानाशाही वाला रवैया था। दिव्या कॉलेज के एक स्टूडेंट अब्दुल कादिर ने जब उनसे बातें की, क्योंकि उसका भाई था जी, जो उसका पूरा ऑपरेशन हुआ उसके साथ जो हुआ आप जानते, जब जाहिर सी बात है वो खुद गुस्से में था, उसने जब बातें की तो CMO साहब ये नहीं चाहते थे कि हमसे कोई बात करें, मतलब वो तानाशाही वाला उनका रवैया था, तो उन्होंने अब्दुल कादिर को दिव्या कॉलेज BUMS थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, उसके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया, डोमिनेंट उसके ऊपर अपनी धाक जमाने की कोशिश की कि अपनी बात पूरी तरह ना रख पाए, उन्होंने कहा कि तालिब इल्म हो, तालिब इल्म की तरह रहो, हमें जानते नहीं हो, बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन जो एक CMO का रवैया होना चाहिए था उनका वो रवैया नहीं है, उनके अंदर सेंसियरिटी नहीं थी CMO का कि क्या देना। तो अब स्टूडेंट को अब उपचार मिल पा रहा है? हायर अथॉरिटी जो भी है, अभी पेशेंट आप पेशेंट को उपचार मिल पा रहा है? देखिए, पेशेंट का जो सीन है कि उसकी उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना था, अपेंडिक्स हुई थी उसका, जब उसकी इंक्वायरी जब उसकी की जाती है तो उसमें चार दिन ये लगा देते हैं इस चीज़ में कि भाई इसको अपेंडिक्स है या नहीं है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट का मसला होता है, तो उन्होंने चार दिन में ये बताया कि भाई इसको अपेंडिक्स है या नहीं, चार दिन के बाद, मसला ये कि अपेंडिक्स का केस ऐसा होता है चार दिन के बाद वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में चली जाती है, और जो अपेंडिक्स होती है वो फट जाती है और उसमें से मवाद वगैरह बाहर निकल जाते हैं। और अभी क्या सिचुएशन है? सिचुएशन तो बेहतर नहीं है जी, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, दुआ है अल्लाह ताला से कि बेहतर हो जाए सिचुएशन, और
हमसे जो हो सकेगा हम पूरी कोशिश, हम दुआएं भी उनके लिए कर सकते हैं। अब इसके लिए जो आज का पूरा वाकया हुआ है उसके लिए सीएमओ साहब खुद जिम्मेदार हैं और उनके अंडर में जो भी काम कर रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं। कल के लिए एक इंक्वायरी सेटअप कराई गई है 24 घंटे का, हमने उन्हें टाइम दिया है कि कल 24 घंटे 6 बजे तक एक इंक्वायरी सेटअप करवाइए और उसमें जो भी दोषी हैं, जो भी कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सस्पेंशन होना चाहिए। क्योंकि जेएनएमपी में होता आया है कि यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, यहाँ के जो जेआर होते हैं, वो हमेशा एक नॉर्मल स्टूडेंट, चलिए ठीक है मैं शेरवानी पहना वो मेरे साथ मिसबिहेव नहीं करता, जनरल पेशेंट आता है या कोई स्टूडेंट आता है तो वो उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, अपने आप को डोमिनेंट साबित करते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। एक डॉक्टर का ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए और जेएनएमसी में खासतौर पर बहुत सारी लापरवाहियाँ होती हैं। क्या नाम है आपको, क्या पता है? मैं माज अहमद कोर्ट मेंबर सिब्या कॉलेज हूँ और ये हमारी फैसिलिटी का मसला था, मैं सिब्या कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पूरे मसले को समझता, मुझसे जो हो सकता था मैं रिप्रेजेंटेटिव, मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं सीएमओ साहब से जाके बात करता और पूरे मामले को समझता। मैं उनके ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगाता हूँ कि उन्होंने हमारे स्टूडेंट अब्दुल कादिर के साथ उन्होंने बदतमीजी दी कि उन्होंने आप कैमरा खुलवाइए, आप उसमें खुद आप पा जाएंगे कि गलती किसने की है। हम उनके सीएमओ साहब के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं और जो जेआर थे स्टूडेंट या स्टाफ के मेंबर थे जिन्होंने ये पुलिस कंप्लेंट करेंगे, पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे या इंतजाम ऐसे शिकायत करेंगे? पुलिस कंप्लेंट का भी कहते हैं, 24 घंटे के अंदर कैंपस के अंदर जो कार्रवाई होनी है, जो इंक्वायरी होनी है, उसके बाद फिर जो रिपोर्ट आती है, जो रिजल्ट आता है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमें जो फैसला लेना होगा। हमने पहले ये मांग कर दी कि उनका सस्पेंशन और परमानेंट सस्पेंशन उनका होना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की इस फील्ड में, जो एक सोशल फील्ड है, मेडिकल की फील्ड, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो जिनका रवैया ही ऐसा ना हो कि पेशेंट से कैसे मिला जाता है, जो लापरवाह टाइप के लोग, उनकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। क्या का मामला था और क्या हुआ, केबिन के अंदर क्या बंधक बना दिया था इस तरह से? हाँ, ये स्टूडेंट यूएमएस के थे ज़्यादातर, उन लोगों का कहना था कि पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं हो पाया, डायग्नोसिस की गलती बता रहे थे वो कि भाई डॉक्टरों का डायग्नोसिस, आपके स्पेशलिस्ट का डायग्नोसिस गलत। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद यहाँ पे घुस आए सीएमओ के चैम्बर में और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बाकी ये 50-60 लड़के थे, बल्कि ज़्यादा। तो कितने समय तक आपको बंधक बनाया? हाँ, सीएमओ के भी थे और वो जो थे यूएमएस के भी थे और भी थे, और उनके यूनियन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। तो सर, किन कौन कौन लोगों को बंधक बनाया गया केबिन के अंदर सीएम ऑफिस में? हम थे, डॉक्टर एहतशाम थे और डॉक्टर नरेश कुमार थे और ये आ, आ, ये सलमान साहब भी थे जो हॉस्पिटल के मतलब एक प्रोक्टोरियल टीम में इंचार्ज वो थे हॉस्पिटल में, और भी कुछ लोग थे, डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेट किया वो लोग थे, और प्रोफेसर खालिद साहब भी थे जो रेडियोलॉजी के चेयरमैन। तो सर, ये कौन था पेशेंट जिस यूएमएस का स्टूडेंट था? तो उसका, उन लोगों का क्लेम ये है कि डॉक्टरों ने डायग्नोसिस कम किया, गलत किया, जबकि पेशेंट का ऑपरेशन भी हो चुका है, ऑपरेशन के बाद अच्छी हालत में। तो सर, जिस तरह से यह बंधक बनाया गया, कितने देर तक बंधक बनाया गया केबिन के अंदर? ये इन्होंने 2 घंटे तो सर, अब कोई कार्रवाई होगी इसमें, क्या होगा इसमें? इंक्वायरी तो होगी लेकिन मुश्किल है कि इन लड़कों की कोई कार्रवाई हो। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो पाएगी, क्या कारण है? क्योंकि ये उसमें यूनियन भी शामिल है स्टूडेंट्स के,
और जो लड़कों का मॉब होता है उस पर कार्रवाई होना मुश्किल। तो सर इसमें कोई लिखित में आप जो भेजेंगे किसी को? नहीं, हम भी नहीं भेजेंगे लिखित में, क्योंकि ये दुश्मनी वो ले लेंगे इस लोगों से हमें खतरा है। ये इनका क्या यूनियन से डर है इस बात का कि हाँ उसको वो फिर से भी डॉक्टर को घेर सकते? इसका एक मामला ये भी था, इसमें सीनियर डॉक्टर को भी घेरा और जूनियर को। क्या सर डर ऐसा रहता कभी यूनियन? हमेशा रहता है कि यहाँ से निकल के कभी घेरबंदी नहीं करता? हाँ, यहाँ यूनियन का हमेशा डर रहता है, वो डॉक्टरों को डराते रहते हैं। सर अगर बात मानिए तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अगर बात कार्रवाई की? आज तो इनका नाम तो हमें पता नहीं किस पे कार्रवाई कराए। कौन कौन मौजूद थे अध्यक्ष और कौन? अध्यक्ष थे, अध्यक्ष तो ठीक से बात कर रहे थे, और लोग जो है वो मारो मारो कर रहे थे पीछे से। अध्यक्ष वगैरह तो ठीक थे, अच्छी तरह बात कर रहे थे। तो सर इंतजामिया के एएमयू इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई की बात सामने आ रही है क्या? प्रोक्टोरियल जब वो मामला ख़त्म हो गया तो प्रोक्टोरियल टीम आई, डॉक्टर साहब आए और उनके साथ पांच छह लोग और प्रोक्टोरियल टीम के आए। फोन किया था वहाँ से कोई नहीं आया, पुलिस की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। पुलिस में आपने 100 नंबर पर सूचना दी? हाँ, वो एहतिशाम साहब ने फ़ोन किया था हमारे साथी ने, तो वहाँ से कोई नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो सर इसमें भी एक बात यह आई थी कि डायलिसिस गलत हुआ है कुछ इस तरह का? डायलिसिस का केस नहीं था जी, जी ये केस तो पेट के अपेंडिसाइटिस का था। अच्छा अच्छा, और केस बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है जी। ऑपरेशन ठीक है, थैंक यू।